यहाँ का जो लोकेशन है ना, ये कुछ इस तरह क्या ज़बरदस्त। और ये बादशाह जो नज़र आ रही है, ये मुग़ल दौर के बादशाह है सारे। और ये यहाँ से इस्लामाबाद का पूरा व्यू दिखता है। तो इस वक्त हम G711 में और मेरे पीछे मोनूमेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस्लामाबाद आए और मोनूमेंट ना जाए। पहले हम मोनूमेंट जाएंगे और उसके बाद दो तीन काम और हैं वो करने हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को मोनूमेंट के नज़ारे। मेरा पहला व्लॉग हो गया इस्लामाबाद में और वो भी मोनूमेंट। टाइम ना होने की वजह से हम लोक विरसा नहीं जाएंगे। पाकिस्तान नेशनल म्यूजियम था पीछे और इसके बाद ये लोक विरसा, ये सारा के सारा लोक विरसा। ये भाई इस्लामाबाद का जंगल, इस रास्ते से जाएंगे सीधा वहाँ पे। क्या हरा भाई जंगल। तो इस साइड से है शकर बढ़िया और इस साइड से मोरा गेट, तो हम जाएंगे सीधा मोरा गेट। पहुँच गए हम, तो ये राइट साइड वाला शकर बढ़िया ही जाता है ये रास्ता, और ये सीधा मोरा गेट। तो हम पहले मोनूमेंट जाएंगे। हाँ भाई बाबा जी पहुँच गए। क्या फूल खिले भाई, मोनूमेंट के बाहर फूल चेक करें। पहले हमने गेट पे टिकट लिए, 20 रुपये का टिकट पड़ता है। टिकट लेके फिर हमने एंट्री मारी और एंट्री मारते ये नज़ारे भैया। काफ़ी धूप है, धूप की वजह से फ़ोटेज सही नहीं आ रहा, लेकिन धूप की वजह से फ़ोटेज सही नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छा फ़ोटेज दूं। और चारों तरफ फूल ही फूल निकले। हमने सोचा कि हम पहले म्यूज़ियम चले जाएं, क्योंकि बाद में रश ज़्यादा बढ़ जाएगा। रश बढ़ने से पहले हम म्यूज़ियम जाते हैं, म्यूज़ियम दिखाते हैं आप लोगों को और फिर आते हैं ये नज़ारे दिखाने के लिए। ये कायदे आज़म की गाड़ी जो चलाते थे पता नहीं कौन सा नाले, और उसके पीछे उसकी बगी है और वो सामने बैठा हुआ है अपनी सिस्टर के साथ, फातिमा के साथ। और ये देखिए नज़दीक से कुछ क्लियर लग रहा है। ये देखिए भाई पहले हिस्ट्री, जो मतलब पाकिस्तान बनने से पहले जो हिस्ट्री थी वो सारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। लेज़ा पकड़े खड़ा है भैया, ये तेज़ धार वाली तलवार। और ये बादशाह जो नज़र आ रही है, ये मुग़ल दौर के बादशाह है सारे। ये मुग़ल का जो पीरियड गुजरा है वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा है। और जो बादशाह की भी वाइफ होती थी, रानी आती थी, उस तरह होती थी। हमारे अल्लामा इकबाल जिसका मुजस्मा यहाँ पे खड़ा है, बहुत अजीम बंदे थे। और ये रूम है हमारे लीडर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का। पूरी हिस्ट्री यहाँ पे पड़ी है, जो बॉक्स मतलब हर चीज़ यहाँ पे, सोफे वगैरह, ये पूरा का पूरा रूम है। और पहले जैसे जलसे जुलूस होते थे पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले, ये इंडिया का जो हिंदुस्तान उसका बानी गांधी जी और ये कायदे आज़म। तो और जो पहले गोल मेज कॉन्फ्रेंस होता था वो कुछ इस तरह होता था। ये सारे लीडर बैठे हुए और उसके नाम भी साथ में लिखे हुए। और भैया ये हमारे लियाकत अली खान। तो काफ़ी हिस्ट्री है यहाँ पे, लेकिन मैं मुख्तसर आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो व्लॉग है वो बोरिंग ना बने, मतलब ज़्यादा लंबा ना बने। ऐसी बग्घी मिल जाए ना
मजा आ जाएगा। चाबी किधर है? चाबी चाबी नहीं मिल रही, वरना बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ी है। इस म्यूज़ियम में पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद जितनी भी हिस्ट्री है पूरी की पूरी यहाँ पे है। हिस्ट्री का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था। मोरामिट आया और यहाँ का व्लॉग बनाऊँ, व्लॉग में म्यूज़ियम ना ले आऊँ तो फिर वो व्लॉग अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि म्यूज़ियम दिखाना ज़रूरी है। फिर इसके बाद चलते हैं फिर यहाँ पे। हाथ के नक्श देख रहे हो, जिन लोगों ने ये मतलब ये बनाए, जितने मजदूरों का हाथ था इसमें, वो सारे के सारे यहाँ पे। और यहाँ पे मोहम्मद नफीस भी था भैया, ये देखिए, मतलब तो भैया अपनी खिदमत हर जगह पे। जो आप लोग पीछे देख रहे हो इसको कहते हैं मोनूमेंट, जो कि जनरल मुशर्रफ के दौर में बनाया गया था। यहाँ से इस्लामाबाद का पूरा व्यू दिखता है, वो देखिए भाई, ये पूरा का पूरा व्यू चेक करें। फैजल मॉस्क, गर्मी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बंदे देखिए किधर बैठे हुए। हाँ भाई, ठंडा पानी मिलेगा कि नहीं? नहीं, जामनशेरी मिलेंगे। ये है वो नज़ारे जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार था, वो देखिए भाई क्या नज़ारा है, क्या व्यू है। ओए होए होए, शायद मेरा कैमरा आप लोगों को दिखा पाए, क्या व्यू है, क्या नज़ारे। तो मोनूमेंट से जाने का टाइम आ गया, अभी इस टाइम मोनूमेंट को कहते हैं टाटा और बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ये मेरे दो घोड़े जो मेरे इंतज़ार में है, लेकिन मैं इस पर सवारी नहीं कर रहा भैया, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। इस वक्त हम G11 पहुंच गए, यहाँ पे रोड का कंट्रोलर था वो ख़राब था, वो ठीक करने के लिए दिया है और मेरे ख्याल से वो कंट्रोलर ठीक हो गया है। चलो देखते हैं, पहले कंट्रोल लेते हैं उसके बाद देखते हैं। नॉर्मल हो गया और इसके ब्रेक हो गया, सही है भाई, बेस्ट है। लगा देख रहे हो, यहाँ पे सारे जज मास्टर वगैरह होते हैं और काफ़ी हाई सिक्योरिटी थी पीछे, और पीछे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन हमने सीढ़ी का कार्ड दिखा के ना कर लिया, पता है यहाँ पे जो गार्ड लग जाती है। ये है यहाँ का व्यू चेक करें, रोड के साइड पे एक छोटा सा ढाबा लगा हुआ है। तो चाय का ऑर्डर दिया हुआ है, चाय जैसे चाय आती है चाय पीते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। और ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग जगह है, यहाँ से ट्रायल भी है, मतलब पीछे जितने भी एरिया आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ से यहाँ पे ट्रायल्स भी हैं,
ऊपर पहाड़ी पे हाइकिंग करते हैं, हाइकिंग के लिए लोग जाते हैं यहाँ पे। तो ये आ गई हमारी चाय, चाय पीने के बाद फिर मिलते हैं। ये देखिए भाई क्या व्यू है, क्या नज़ारा है, हाय हाय हाय। और ये हाइकिंग का ट्रायल 5, यहाँ से लोग हाइकिंग पे जाते हैं। डामाई को के ऊपर हाइकिंग करने जाते हैं तो यहाँ से भी जाते हैं। ट्रायल एक से लेकर ये 5 है, और तो टोटल हाइकिंग ट्रायल जो है वो 6 हैं, 1 से लेकर 6 तक, और ये 5वां है। चेक करें भाई पूल, ये देखिए भाई ये भाई पार्लियामेंट, इसको कहते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस। ये पार्लियामेंट हाउस और वो है सामने सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान की जितने भी बड़े बड़े फैसले हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। ये देखिए भाई पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। और ये जो आप लोग देख रहे हो भाई, ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस है। ये देखिए भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस, क्या शानदार महल है भाई, भाई भाई यहाँ पे एक कमरा मिल जाए ना कोने। आई थिंक इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हो। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नेक्स्ट टाइम इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद के कोने कोने चप्पा चप्पा हर नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। अभी टाइम की कमी की वजह इस्लामाबाद को ज़्यादा एक्सप्लोर ना कर सके, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इंशाल्लाह सारा इस्लामाबाद दिखाएंगे। अब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर, खुदा हाफिज़। क्या पूरे